श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि श्रावण का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आज यानी कि 31 जुलाई जो कि है एकादशी का दिन। जी हाँ दोस्तों, श्रावण मास की एकादशी आज 31 जुलाई के दिन है। तो ये दिन जो है और भी खास हो जाता है। इस दिन आपको करने को छोटे छोटे से उपाय जो कि बहुत ही से आसान है पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर मैं आप सबके लिए वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लगे, तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जो कि बहुत आसान है और आपको करना है बेलपत्र से। जी हाँ दोस्तों, आपको लेनी है एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी एक बेलपत्र लेनी है मित्रों आपको। और इसके साथ ही आपको लेना है इत्र। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है दोस्तों, कोई भी टेंशन, कोई भी बीमारी, कुछ भी तरीके का कोई भी कष्ट आपके जीवन में है, तो आपको जरूर से इस उपाय को करना ही चाहिए। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि महादेव की 5 पुत्रियों के लिए करने वाला उपाय है। दोस्तों, बस लेना है आपको एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी, और उसके साथ आपको लेना है इत्र। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र और इत्र के साथ ही हम इस उपाय को करने वाले हैं। तो क्या करना है आपको इसमें, जो बेलपत्र की हमारी डंडी होती है ना, तो उस डंडी पर दोस्तों वहां पर आपको इत्र को लगाना है। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, जो बेलपत्र की डंडी होती है वहां पर आपको इत्र लगाना है 5 बार 5 बूंद, यानी कि 5 बूंद आपको इत्र लगाना है। आप मार्केट से कहीं भी देख सकते हैं, आसानी से आपको इत्र की छोटी सी बॉटल मिल जाएगी। एक प्यारी सी बेलपत्र के साथ में इस उपाय को करेंगे। आप ध्यान रखना है कि इत्र लगाते समय आपको क्या बोलना है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि यह जो उपाय है ये महादेव की 5 पुत्रियों के लिए है, 5 पुत्रियों के नाम से आपको इस उपाय को करना है दोस्तों। तो आप एक एक बूंद लगाते समय आप महादेव की 5 पुत्रियों का स्मरण करेंगे। जैसे पहली बूंद आपने जब इत्र की लगाई तो जया, फिर दूसरी बूंद आपने लगाई तो विषहरा, ऐसे करके आपको 5 पुत्रियों के नाम लेते हुए 5 बूंद इत्र की उस बेलपत्र की डंडी पर लगानी है दोस्तों। और फिर आपको लेना है अपने ही घर से एक तांबे के पात्र में जल लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। कोई भी महादेव का मंदिर जो आपके घर के आसपास में है दोस्तों, वहां जाकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप चाहे तो आप इसे घर पर भी कर सकते हैं, पर घर पर अगर करेंगे तो क्या करना है, तो पहले बात कर लेते हैं इसकी कि अगर आप शिवालय में जाकर इस उपाय को करते हैं तो कैसे करना है दोस्तों। तो वो जो बेलपत्र आपने जिस पर 5 बूंद जो आपने इत्र लगाया है उसको लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास दोस्तों। और सबसे पहले आपने देखा है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर में एक मटका लगा हुआ होता है, और कहा भी जाता है कि महादेव की जो 5 सबसे प्रिय पुत्रियां हैं उनका वास उस मटके में होता है, जहां से निरंतर जल धारा जो है वो महादेव के ऊपर गिरती रहती है मित्रों। तो आपको वह जो बेलपत्र है वह उस मटके को टच करानी है दोस्तों। 5 बार आपको उस बेलपत्र को मटके को टच कराना है, और उसके साथ ही आपको नाम लेना है महादेव की 5 पुत्रियों का, जिनका की नाम है जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव। इन 5 पुत्रियों का नाम लेकर एक एक करके आपको 5 बार बेलपत्र को मटके से टच कराना है, और अंत में उसी बेलपत्र को मित्रों महादेव। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही सरल है। आपके घर में अगर किसी भी तरीके की कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी भी तरीके का मनमुटाव है, घर के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, कुछ ना कुछ उठापटक चलती रहती है जीवन में, घर में खुशियां नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है दोस्तों, तो इस आसान से उपाय को आप सभी को करना ही करना है। इस श्रावण मास में जो भी उपाय आप करेंगे, यकीन माने कि महादेव उसका 1000 गुना फल देंगे ही देंगे आपको। तो दोस्तों, बस आपको करना क्या है, अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां हो, प्रेम हो, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए आपको लेनी है दोस्तों शहद, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो 2 से 4 चम्मच आपको शहद लेनी है मित्रों, और उस शहद से ही हम इस उपाय को करने वाले हैं।
तो शहद लेनी है थोड़ी सी, एक बर्तन में एक कटोरी में आप शहद ले लीजिएगा, 2 से 4 चम्मच दोस्तों, या जितना आप लेना चाहें तो कम से कम शहद में आपका काम हो जाएगा। तो 2 से 4 चम्मच शहद लेंगे। इसके साथ ही आपको लेना है लाल चंदन। अगर आपके पास में लाल चंदन नहीं है दोस्तों तो आप लाल रोली भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपके पास लाल चंदन हो और आप उसका ही प्रयोग करें। तो आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन थोड़ा सा लेना है, कुछ 2 से 4 चुटकी आपको लेना है। तो उस लाल चंदन को आपको शहद में मिक्स करना है। जी हाँ दोस्तों, शहद में आपको लाल चंदन मिक्स करना है और अच्छे से उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। और ये पेस्ट आपका जब तैयार हो जाता है दोस्तों, तो आपको एक पात्र में, तांबे के पात्र में आप ले लीजिएगा जल अपने ही घर से, चाहे तो उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की आप मिला सकते हैं, और अगर ना हो तो नॉर्मल आप जल लेकर और अपनी शहद की कटोरी लेकर पहुंच जाइए शिवालय शिवलिंग के पास में। जो भी मंदिर आपके घर के आसपास है, कोई भी महादेव के आप मंदिर में पहुंच सकते हैं इसको लेकर दोस्तों। अब करना क्या है, आप सबको पता है कि महादेव का जो शिवलिंग है उस पर ही उनका पूरा परिवार विराजित है। गणेश जी है, कार्तिकेय है, उनकी पुत्री है, माता पार्वती है और स्वयं शिव जी है। तो माता का जो कटी भाग होता है, जी हाँ दोस्तों, जो पार्वती माता का हस्त कमल जिसको कहा गया है, उसके ऊपर भगवान का शिवलिंग विराजित है। तो जो कटी भाग है, उस कटी भाग पर, जी हाँ दोस्तों, उस कटी भाग पर ही आपको इस शहद का लेपन करना है। जो कटी भाग है जहाँ पर शिवलिंग और हस्त कमल जुड़ते हैं दोस्तों, उस हिस्से पर आपको इस शहद का लेपन करना है। बहुत अच्छे से आप उसका लेपन कर दीजिए दोस्तों। और उसके बाद जो आपके पास में तांबे के पात्र में एक लोटा जल है, वो जल आपको महादेव के ऊपर समर्पित करना है दोस्तों। यकीन मानिएगा दोस्तों, इस श्रावण मास में जो पड़ने वाली एकादशी का विशेष त्योहार है, इस दिन अगर आप इस छोटे से उपाय को करते हैं तो आपके घर में किसी को क्रोध आ ही नहीं सकता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब में प्रेम होगा, सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो अगर आप में से किसी के भी घर में यह लड़ाई झगड़े की समस्या है दोस्तों, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आज 31 जुलाई कामिका एकादशी के दिन आप इस उपाय को अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो की जानकारी आप सबके लिए लाभप्रद होती होगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको समय से मिलते रहें दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।